अबू बकर देखो, चीलों की आवाज कहाँ से आ रही है इतनी तेज तेज? यार समझ नहीं आ रहा है, शायद पीछे के साइड बैठी हुई चीले। कितनी तेज आवाज आ रही है। कहाँ पे? कहाँ बैठी है? अच्छा वो ऊपर जो घूम रही है छत आसमान पे। हाँ हाँ वो तो बहुत बड़ी चील है। अबू तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज भाई दोस्तों हम लोग मुर्गी के बर्तन भी लेके आ गए हैं। तो आपने थंबनेल में तो वैसे देख ही लिया होगा। तो भाई मुर्गी के बर्तन अब लगा देते हैं फटाफट, और अबू बकर भी मेरे साथ है। और यहाँ पे भाई ये शरारतों में तो लग गए हैं। दे दिया कहाँ दिया? अबू ने देख लिया भाई, मुर्गी ने हमारी अंडा दे दिया। अबू जल्दी जाओ निकाल के लेके आओ अंडा, जल्दी जाओ। आराम से अंडा दे दिया भाई। वेरी गुड। तो दोस्तों भाई हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया है, काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था भाई, और अब जाके इसने अंडा दिया। अभी अंडा दिया है दोस्तों। मुर्गा दोस्तों आते के साथ ही भाई अबू बकर वो गुस्सा करने लगा है। सुल अबू बकर के पीछे पीछे घूम रहा है अबू, आपके पता है? खतरनाक है भाई ये तो बहुत। और भाई खुलते के साथ ही दोस्तों हमारी मुर्गियां भाई बहुत ही ज्यादा प्यासी हो जाती है। ये ट्रे के अंदर बैठी हुई है, मेरे ख्याल में भाई अंडा वंडा तो नहीं देने वाली कहीं, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा था यार, ये ट्रे के अंदर ही बैठी हुई थी। ओ भाई तुम भी अंडा वंडा दे दो यार। और दोस्तों भाई फाइनली हम लोग ना बर्तन शर्तन लेके आ गए हैं मुर्गियों के खाने पीने के लिए। एक में पानी रखेंगे सोच रहा हूँ, और एक में हम इनका दाना रखेंगे। जब से दोस्तों मट्टी मट्टी हटाई है ना यार, यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। यहाँ से भाई पानी इसके अंदर भरते हैं। लीक तो नहीं हो रहा? ये लीक हो रहा है भाई, ये मुझे लग रहा है अभी ये पानी का नहीं है, ये खाने वाने का है इनका, पानी का प्लास्टिक का आता है। हाँ यार एक काम करता हूँ, इनका केज भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, हाथ के इनका केज भी साफ कर लेता हूँ। A few moments later. सोच रही थी दोस्तों भाई यहाँ की मैंने अच्छे से सफाई वफाई कर ली है, सारा इनका जो गंद पड़ा होता ना भाई सब उठा लिया है। एक प्याला यहाँ पे रख देता हूँ ना बकर, ताकि फिर यहाँ पे आराम से अपनी खुराक भी खा पाएंगी। अब ये वाला बत्तखों में रखेंगे, एक बत्तखों में रखेंगे ठीक है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से बात सुनो, बाबा की बात सुनो, तुम जाके ना फटाफट मुर्गियों को बाहर लेके आओ, जल्दी जाओ फटाफट जाओ, टाइम नहीं है बाबा को, जल्दी करो। चलो चलो अपने केज में जाओ, चलो भागो। चलो अभी थोड़ा दोस्तों ये बर्तन से डर रही हैं, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों एक बर्तन मैंने अपने मुर्गियों के खाने में लगा दिया है, और एक जो बचा है ना भाई ये हमें बत्तखों के केज के अंदर लगाना है। भाई ये प्याला आप देख रहे हैं मेरे सामने जो रखा हुआ है, ये इनका पुराना प्याला है, ये भाई बहुत ही ज्यादा गंदगी करती थी इसके अंदर ना, तो ये हमें स्टील का प्याला जरूर मंगाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये काम भी हमारा हो गया है। माशाल्लाह काफी हद तक अबू बकर बेहतर हो गई है तुम्हारी चोट तो यार, अब है ना अबू, अब दर्द वर्द तो नहीं होता है वैसे? चलो अच्छी बात है, हटो हटो बाबा खुलेगा, आपसे नहीं खुलना। तो मुर्गियां भी दोस्तों स्विमिंग पूल में नहाना स्टार्ट हो गए भाई बत्तखों के साथ साथ। स्नेक क्या कहाँ से आ गया अबू, इतना खतरनाक स्नेक। अबू बकर के हाथ में देखें जरा, कितना खतरनाक स्नेक है भाई। अबू बकर आपको डर वर नहीं लगता है? अच्छा मेरी बात सुनो, आपको डर वर नहीं लगता है क्या? डर नहीं लगता? इतने छोटे छोटे बच्चे को तो डर लगता है यार। यार अबू हमारे स्विमिंग पूल का पानी कितना ज्यादा गंदा हो गया है, अभी किसी दिन इसको भी चेंज करेंगे भाई हम लोग ना। और अभी दोबारा देख लेते हैं कि अंदर की क्या पोजीशन है भाई। माशाल्लाह दोस्तों पिछली बार हमारी मादी ने भाई
सिर्फ दो ही बच्चे दिए थे, दो जो जो मैंने अलग केज में कर दिए हैं, और अभी मैंने दिखाया है दोस्तों आपको भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 से 5 बच्चे अंदर दिए हुए हैं मादी ने, और काफी ज्यादा माशाल्लाह भाई बड़े भी हो गए हैं। एक हमारा लोटिनो का पेयर और एक हमारा अल्बाइनो का पेयर, ये पेयर जो है ना दोस्तों भाई 3 से 4 महीने बाद हमारे पास इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई ये मेरे पट्टे लिए थे दोस्तों, तो अभी इनको थोड़ा वक्त लगेगा ब्रीडिंग करने में। और सेकंडली दोस्तों यहाँ पे भी भाई हमारे बजीज के बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, और अब तो मुझे यहीं से नजर भी आ रहा है, बाकी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। भैया का मुंह ना ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है सारा, पता नहीं क्या करा है। ये देखिए भैया अंदर, फिर अबू बात सुनो बात सुनो बात सुनो बात सुनो बात सुनो अबू बात सुनो अबू 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 पता है हमने मुर्गे का अपने नाम रख दिया है, पता है नाम क्या रखा है मुर्गे का हमने? हैं गंजा मुर्गा मैंने कब रखा नाम? गंजा मुर्गा भी कोई नाम होता है क्या? गंजा मुर्गा थोड़ी नाम है यार, ऐसा तो नहीं करो, हमारा मुर्गा इतना प्यारा सा है, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो अबू। भाई दोस्तों फाइनली भाई मैंने अपने मुर्गे का नाम वाम भी रख लिया है, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई मैंने अपने मुर्गे का नाम क्या रखा है। तो अबू बकर बात सुनो इधर आओ इधर आओ इधर आओ चलिए इधर आओ बात सुनो, पता है हमने अपने मुर्गे का नाम क्या रखा है? हमने अपने मुर्गे का नाम रखा है गब्बर। तो दोस्तों भाई ये हमारे मुर्गे का नाम सूट भी करता है, गब्बर। तो भाई दोस्तों मैंने मुर्गे का फाइनली दोस्तों नाम रख लिया है, भाई हमारे मुर्गे का जो नाम है ना भाई वो है गब्बर। तो भाई गब्बर इस पे सूट भी करता है, और ये गब्बर की तरह भाई यहाँ पे बदमाशियां भी करता है ना, तो इसके ऊपर ये नाम बड़ा सूट करता है। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को फिर हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, और हमारे चैनल जी फॉर गोट इन्फॉर्मेशन को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।